नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हमारी पहली खबर में हम बात करेंगे किसान आंदोलन से। धरना स्थलों पर किसानों ने मनाया बैसाखी का त्यौहार। बंगाल चुनाव प्रचार पर रोक के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ ममता का धरना। कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 161,736 नए मामले, अब तक 1.36 करोड़ लोग संक्रमित। हमारी चौथी और आखिरी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली से, जहां पर केजरीवाल ने केंद्र से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा स्थगित करने की मांग की। दिल्ली की सीमाओं पर 4 महीने से ज्यादा समय से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार भी धरना स्थलों पर मनाया। किसानों ने पारंपरिक तरीके से यह त्यौहार मनाते हुए यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। किसानों ने इससे पहले धरना स्थलों पर ही लोहड़ी, होली के त्यौहार भी मनाए हैं। बैसाखी का जश्न मनाते हुए किसानों ने यही संदेश दिया है कि वह अपने त्यौहार भी साथ मनाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी साथ करेंगे और लड़ेंगे भी साथ में। देखिए न्यूज क्लिक की एक ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। आज बैसाखी है, बैसाखी यानी मेलों का त्यौहार, खेलों का त्यौहार, फसल के कटने का त्यौहार। आज देश के अलग अलग हिस्सों में यह त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन ये त्यौहार किसान भी मना रहे हैं और इस त्यौहार पर वो ये कह रहे हैं कि हम अपने त्यौहार भी मनाएंगे और अपने लड़ने की जो स्पिरिट है उसको भी जिंदा रखेंगे। इसी स्पिरिट के तहत जो है उन्होंने आज यहाँ पे दलाल खाप मैदान जो टीकरी में है वहाँ पे उन्होंने खेलों का आयोजन किया है। आखिर क्यों ये आयोजन पूरा किया गया है, आइए जानते हैं कुछ किसानों से। विसाखी का जो त्यौहार है ये साड़ियाँ जदों असी कणक तैयार हो जाती है उसनू असी वढ़न दे लई जिहड़ा आपदे खेतां दे विच सोना कह दिंदे आ, साडे खेतां दे विच सोना चमके, कणक दा जिहड़ा रंग आ सोने वर्गा है उसनू तां सोना कहा जाता है कि विसाखी वाले दिन असी आपदे गेहूं की कोई कह हिंदी च गेहूं कहा जाता है, पंजाबी च उसनू कणक कहा जाता है, उसकी कटाई शुरू करते हैं। नहीं जी, ये तो नहीं सोचा था, मतलब जहाँ पिछले साल से लेकर इस साल असी इत्थे होवांगे ये सोचा नहीं सी। ऐसी तो और परिस्थितियां आएंगी, कोई बात नहीं, गां दूजा नहीं है, धान की बिजाई भी होनी है, सारा कुछ ना उसको हैंडल करेंगे, कमेटी बनाएंगे पिंडों में गांवों में और उनको इकट्ठा करके एक बंदा यानी कि 10 घर मगर एक आदमी ले जाएंगे। हमारे जो गांव में 100 के करीब घर है उसको हमने 15 भागों में वंडा हुआ है, 15 भागों में 15 बंदा हमारा जो है यहाँ पे आएगा, इस आंदोलन में आएगा, हम गिनती घटने नहीं देंगे। चलो अगर फसल की बात है, फसल तो हमारी सांभी जाएगी, कोई बात नहीं, अगर हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो हम कणक को क्या करेंगे, खरीदने वाला ही नहीं रहेगा, जो पैदावार गां साडा आने वाला भविख, बच्चों की पढ़ाई का, साडा रहन बहन का सारा जो कल्चर खत्म हो जाऊगा, हर एक शय महंगी हो जाऊगी। जो एक बंदे को सारा कुछ चला जाऊगा तो मन मर्जी का रेट लाऊगा, अज साडी फसल आ, साडा जी करे असी देईए, साडा जी करे असी ना देईए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ कोलकाता में धरना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने सोमवार को ही अपने इस फैसले की घोषणा कर दी थी। उन्होंने ट्वीट किया था, निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसले के विरोध में मैं कल दिन में 12 बजे से गांधी मूर्ति कोलकाता पर धरना बैठूंगी। केंद्रीय बलों के खिलाफ बनर्जी की टिप्पणी और कथित तौर पर धार्मिक लहजे वाले बयान के बाद निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया था। निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा है, आयोग पर पूरे राज्य में
कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकने वाले ऐसे बयानों की निंदा करता है और ममता बनर्जी को सख्त चेतावनी देते हुए सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान सार्वजनिक अभिव्यक्तियों के दौरान ऐसे बयानों का के उपयोग से बचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार यानी 13 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 161,736 नए मामले दर्ज किए गए और 879 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 97,168 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 63,689 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,36,89,453 हो गई है, जिनमें से 1,71,58 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में रिकवरी रेट घटकर 89.51% हो गया है, यानी कुल मरीजों में से 1,22,53,697 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामले बढ़कर 9.23% यानी 12,64,698 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 10,85,33,085 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 40,04,521 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में भी एकाएक कोरोना मामले बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 13,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह CBSE की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दे। केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 4 मई से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा में करीब 6,00,000 विद्यार्थी और करीब 1,00,000 शिक्षक शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसमें संक्रमण को रोकने के लिए परीक्षा स्थगित की जानी चाहिए। हालांकि बीते दिनों CBSE ने कहा था कि बोर्ड परीक्षा स्थगित करने से विद्यार्थियों का ही भला नहीं होगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है और कहा है कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।